हेलो नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे IBS के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और ठीक होंगे और आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ YouTube की फैमिली में कुछ लोगों को, और शायद जो कुछ लोग करते हैं उनको रिलीफ भी मिलता है, और कुछ पर्सन या कुछ भाई ऐसे हैं जिनको शायद पार्टिकुलर उस स्ट्रेचिंग के दौरान कुछ पेन होता है। तो मैं कुछ सावधानियां आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो आपको स्पेशली करनी है। देखो, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी सिम्टम्स। किसी को एप्पल सूट होता है, किसी को नहीं होता। किसी को पपीता सूट होता है, किसी को नहीं होता। किसी को दूध हजम होता है, किसी को नहीं होता। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। और जो ट्रीटमेंट आता है मेडिटेशन, सबके लिए समान रूप से लागू होता है, ठीक है। दूसरी चीज, डाइट सबके लिए समान रूप से लागू होती है। थर्ड चीज, स्ट्रेचिंग सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होती है। और बेसिक से वो चीज़ें लाइक बी लिक्विडेड या मेडिसिन, उस सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होती है। उसकी कुछ वजह या कुछ सावधानियां जो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, किसी को दूध हजम होता है, किसी को नहीं होता। अब नहीं होता तो नहीं होता। जैसे मुझे अगर दूध हजम होता है, मुझे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरा लीवर 100% क्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप पपीता चाहे कितने भी खिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अनारदाना कितना भी खिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अमरूद कितना भी खिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ बस एक चीज़ से प्रॉब्लम है, एप्पल। एप्पल जब भी खाऊंगा पेट में गैस बनता है। अब किसी पर्सन को एप्पल सूट करता है, लेकिन किसी को अगर देखा जाए तो पपीता सूट नहीं करती है। तो नहीं करती तो मतलब नहीं करती है। अब वो तो बात है ना भाई, आपकी बॉडी कैसी है। अब वो चीज़ आपने समझ लिया, मुझे डिपेंड मतलब मुझे चीज़ सूट नहीं करती, तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को अवॉइड कर दो। जरूरी थोड़ा ना हमें भाई वो चीज़ खानी है। ऐसे ही हमारा मेन चीज़ जो है स्ट्रेचिंग, जो हम मोस्ट ऑफ द प्रॉपरली करवाते हैं हमारे आंतों के मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए, या उनमें ब्लड का सर्कुलेशन तेज करवाने के लिए, या हमारा जो नले और जो नाभि होते हैं उनको प्रॉपर सेट करने के लिए सेंटर में, उसलिए हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं। अब स्ट्रेचिंग में कुछ सावधानियां जो हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ भाइयों को प्रॉब्लम होती है। कुछ बोलते हैं हमें बोला कुल्हे में दर्द होता है, कुछ बोलते हैं हमें टखनों में दर्द होता है, कुछ बोलते हैं हमारे बैक में पेन होता है। तो देखो, एक चीज़ समझ लो, जब भी आप किसी वर्कआउट किसी स्ट्रेचिंग को शुरू करेंगे, उस मूवमेंट में करते मूवमेंट में अगर आपको दर्द होता है तो आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपने पूरी स्ट्रेचिंग फिनिश कर ली, फिर आपको कल सुबह या कल दोपहर तक हल्का हल्का पेन होगा, लाइक शरीर थोड़ा दुखेगा, इज आर ए गुड पेन, नॉट बी बैड पेन। बैड पेन वो होता है जब आपको करते वक्त उस स्ट्रेचिंग में दर्द होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब है, जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, अगर उस मूवमेंट में दर्द है, बैक में दर्द है, अपने घुटनों में दर्द है, या आपको कूल्हों की हड्डियों में दर्द है, या आपको हमारे जस्ट पेट के लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, और दर्द भी मीठा वाला नहीं, मतलब जो पेनफुल हो, तो आपको स्ट्रेचिंग नहीं करना है, मतलब नहीं करना, सूट नहीं करता। मतलब उस स्ट्रेचिंग को करते मूवमेंट में आपकी और कोई नस या आपका और कोई हिस्सा ओवर टाइट हो रहा है, इसलिए आपको स्ट्रेचिंग नहीं करना है। उसके रिप्लेसमेंट में मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, और मैं आने वाले टाइम पे और भी अच्छी जो स्ट्रेचिंग, जो अगर आपकी मुझे कमेंट मिलेंगी तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको और भी अच्छी से जो स्ट्रेचिंग होगी जो मैंने करी है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ज़रूरी थोड़ा ना कि वही करो। करने से मेरा मतलब है, जो मैंने मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस दिया है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले भाई आप ये करो, अगर आप उसमें नहीं कर पाते, प्रॉब्लम है, तो फिर मत करो, लेकिन एटलीस्ट वहाँ तक करो। अभी आपको एक्सक्यूज नहीं देना है, बहाना नहीं देना है, भाई नहीं हमेशा आप दर्द होता है। देखो, बॉडी आपकी है, क्योर आपको करना पड़ेगा। मेरा काम बोलने का, समझाने का, करने का, नहीं करने का, सब वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन करना आपको पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अब जो मैंने बात बोली, एक होता गुड पेन, एक होता बैड पेन। गुड पेन होता है वर्कआउट करने के बाद, एक दिन दो दिन बाद आपको थोड़ा आम होगा, थोड़ा मीठा सा दर्द होगा, आपको लगेगा थकान हो रहा है, इज आर ए गुड पेन,
मतलब सही पैन है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मतलब वो सही पैन है। लेकिन अगर आपको जॉइंट पे दर्द होता है वो गलत पैन है, या स्ट्रेचिंग करते वक्त पैन होता है वो गलत है। तो उस स्ट्रेचिंग में आप रुको मत जिसमें आपको पेन होता है, समझ रहे हो। चाहे वो कोई सी भी स्ट्रेचिंग हो, चाहे आपको नाभि सेट करने वाली हो या नौकासन वाली हो, या मतलब लाइक भी हम जैसे बात करें सुप्त वज्रासन की बात करें या मत्स्यासन की बात करें, कोई सा भी जो आसन हो, योग हो, कोई सा भी करते हो, कोई सा भी स्ट्रेचिंग करते हो, जैसा भी करते हो, अगर उस दौरान आपको पेन होता है तो वो नहीं करना है। उसके अलावा दूसरी करना है, मतलब उसके बाद जो दूसरी स्टेप है, जैसे पहले स्टेप में आपको प्रॉब्लम है वो नहीं करना है, फिर दूसरी में चले जाना है। अगर आपको पहले दूसरे में दोनों में प्रॉब्लम, फिर आपको थर्ड पे जाना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, ऐसा नहीं कि एक में दर्द होता है फिर पूरा पूरा वीडियो बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि जो भी मैं रिकमेंडेड करता हूँ वो पूरा बेस्ट आपको रेजोल्यूशन देने का उसमें प्रयास करता हूँ, पूरा निचोड़ उस वीडियो में डालता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखें। और इस वीडियो पे हम एम करते हैं 100 लाइक का, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मुझे एक सुकून मिलता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं शायद कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा वैल्यू डाल रहा हूँ जिससे शायद उन्हें कुछ बेहतर मिल रहा है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे।